सबसे पहले लिखो मैगी नूडल्स जो हम खाते रहते हैं, हम तकरीबन ऑलमोस्ट डेली खाते हैं, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मैगी नूडल्स लिख लो, चिकन वाले, ग्रीन वाले जो उनसे हैं। चलो मैगी नूडल्स है वो तो बाद में फ्लेवर बंदा ले ही आता है। तो जी बाहर मामा आ गई हैं साथ, जी इब्राहिम भाई मनाली भी रहने आ गए हैं, तो मैं जो था ना उनको दरवाजा खोलूं। इब्राहिम मैया आगे मिला काका, मिला काका, मिला काका, इधर तो आ मामू जी, ठंडी तो डाल मामू जी, ठंडी डाल दी, इधर लाओ इब्राहिम, डाल है ठीक है, क्या लगवा डॉक्टर साहब आया? जी डॉक्टर साहब भी आया, जी डॉक्टर साहब से भी मिल गए। देखो बहू जी अंदर ही बैठे थे ने। जी डॉक्टर साहब, तो जी हम ना अपनी जो चिप्स वगैरह ना वो लेने आ गए, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम घर जा के देखेंगे, ठीक है। अभी सामान तो इधर ख़त्म हुआ हुआ, लेकिन फिर भी हम ना एक ये ले लेते हैं ग्रीन वाला, एक एक ग्रीन, अभी ये आ गई दो, ठीक है। उसके अलावा इधर और क्या है, ये मिक्स है चार, ये क्या है, अच्छा ये चार लगा हुआ है। बाकी इधर नीचे से भी कुछ ले लेते हैं, शॉपर लेते हैं ना, फिर इसके अंदर डलवा लेते हैं। बाकी ऊपर से भी ये वाली जो ले जाना है, फिर मसाला ये भी लेते हैं। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंड द व्लॉग। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, कैसी तबीयतें हैं, कैसा गुजरा आप लोगों का दिन? आज का व्लॉग जी ज़रा लेट नाइट स्टार्ट होने लगा, ठीक है, क्योंकि आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला, इसलिए व्लॉग ज़रा ना देर से स्टार्ट कर लेंगे, बल्कि देर क्या, रात के टाइम 11 बज रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। इस टाइम मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ, और व्लॉग स्टार्ट हम क्या करने लगे हैं आज, ये एक बड़ा मज़े का हम सीन क्रिएट करने लगे हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इससे पहले जब हमने लास्ट व्लॉग अपडेट किया है उसमें आप लोगों ने बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाई है, आप लोगों को उम्मीद है लास्ट व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा मज़े का लगा, बड़ा इंटरटेनिंग लगा होगा, क्योंकि आपको पता है डेयर चैलेंज था, फिर मैंने भी किया, बेगम साहब ने भी किया, और हमने एक डेयर जो एक दूसरे को दिए वो हमने कंप्लीट की, और आप लोगों को ज़्यादा इंटरटेन करने की कोशिश की, और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा इंटरटेन करने की कोशिश की। तो अभी जी आपका भाई ना ही चेंज करके फ्रेश हो के, तो अभी ज़रा हम खड़े हैं आपके सामने, और आप लोगों के साथ बातचीत करनी थी, इसे हमने आपका ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया। और जो करना क्या है आप लोगों को पता है, हर बार आप लोगों को समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि यार चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और ज़्यादा लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बने। जो लोग पहले से भी हमें देख रहे हैं उनसे भी हर बार गुजारिश करते हैं, इस बार भी गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि कोई भी नया व्लॉग आए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। और इसी तरह मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो करें। तो जी सारे अभी नीचे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, तो जाके अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारा जो कंटेंट आज का जो सीन है हमारा वो बड़ा मज़े का होने जा रहा है, वो भी हम बर्स के साथ डिस्कस करना है, उसके बारे में भी उसको अपडेट करना है, बताना है कि क्या करने जा रहा हूँ मैं, और उसमें आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको ब्लॉग में नज़र आएंगी और आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन आप लोगों से पूछना है कि कैसे हो, ठीक हो ना? तो मेरे मेरी सारी फैमिली ठीक है, खुशबाश है, कैसी गुजरी है लाइफ आप लोगों की? अच्छी गुजरी होगी, मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी है, अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, दुआ में याद रखा करें, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँ। तो चले अभी नीचे चलते हैं, जाके ना अंबर से पूछते हैं भाई हाँ रेडी हो, आज का जो व्लॉग है उसका जो सीन है वो उससे शेयर करते हैं और उसको बताते हैं करना क्या है। हाँ जी रेडी हो? किस चीज के लिए दे रहा हूँ आपको बताऊँ किस चीज के लिए, एक बड़ा मजे का ना, इधर सामने आओ ना। तो जी सीन बड़ा मजे का, ठीक है,
उसके लिए आपको बताइए पेपर भी आ गया, पेंसिल भी आ गया और बड़ा मज़े का सीन क्रिएट करने लगूँ। उसमें आपको भी मज़ा आएगा क्या? और मुझे भी मज़ा आएगा दोनों को, लेकिन वो ज़्यादा जो होता ना आपको मज़ा आएगा वो करने का। लेट नाइट हमें क्रेविंग होती है, हम खाते पीते हैं ठीक है, कुछ ना कुछ डेली, ये जो जी हमारी बड़ी बुरी आदत है ठीक है कि ऑलमोस्ट मुझे आपने डाली हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पहले से थी, देखो मेरे पे ब्लेम डाल दिया, ये आदत मैंने डाली है। हाँ शादी से पहले भी आप लोग भी खाते थे लेट नाइट, कभी पास्ते बना के कभी चिप्स बना के खा रहे थे, उन मानते ही नहीं उनका, नहीं नहीं बंदे ने किया। आओ भाई असी पैड़े असी कीता कराया सब कुछ असी पैड़े भाई। इमोशनल डैमेज ठीक है, खुश हो राजी हो। सीन ये है जी के लेट नाइट क्रेविंग होती है हमें ठीक है, सिर्फ हम दोनों की नहीं, हम तक ऑलमोस्ट सारे घर वाले, हम बहन भाई हमें शुरू से आदत है, हमने लेट नाइट हल्का फुल्का कुछ खाने पीने के लिए हमें मिले तो हमारी रात गुजरती है, नहीं तो हमारी रात नहीं गुजरती। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो ये सब लोगों के साथ होता है, मोस्टली लोगों के साथ इसी तरह ही है कि लेट नाइट क्रेविंग्स जो होती हैं ना उसको पूरा करने कुछ ना कुछ बंदा खाता पीता है, कोई जंक फूड खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, कोई मतलब घर में से कुछ बना के खा लेता है, इसी तरह जो मिले जो जिस चीज़ का दिल कर रहा हो वो बंदा बना के या बाहर से मंगवा के खा लेता है। तो आज कुछ ही सीन इस तरह हैं कि हमें तो क्रेविंग्स होती हैं, तो उसके लिए मेरे दिन एक आइडिया आया है कि उन्हें क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएँ और एक गेम भी खेली जाए ठीक है। गेम क्या होगी, मेरे और अंबर के बीच में गेम होगी। इधर अब ये जो पेपर है ना ठीक है, लिखना है हमने कुछ ठीक है, हम 5 से 6 पर्चियाँ डालेंगे ठीक है, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें लिखेंगे और उसको शफल करेंगे उन पर्चियों को ठीक है। एक पर्ची आप उठाओगी, एक पर्ची मैं उठाऊँगा ठीक है, दोनों में से जो जो चीज़ें आएंगी वो फिर हम उसको ना बनाएंगे या बाहर से रेडीमेड मिलेगी जो भी मिलेगी ना वो हम उसको लेके आएंगे और खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, लेकिन दोनों ने एक एक चीज़ लेके आनी है ठीक है। तो चलो अब इसको शुरू करो, मेरी तो राइटिंग बहुत बुरी है, तुसी लिखो। सबसे पहले लिखो मैगी नूडल्स जो हम खाते रहते हैं, हम तकरीबन ऑलमोस्ट डेली खाते हैं, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मैगी नूडल्स लिख लो, चिकन वाले ग्रीन वाले जो उनसे हैं। चलो मैगी नूडल्स है वो तो बाद में फ्लेवर बंदा ले ही आता है। अब इसको काट दो ना, पर्ची काटो के एक साथ ही लिखोगे। अंडा शामी वाला बर्गर ठीक है, उसके बाद हो गई लेज वगैरह जो बाहर से आने, अभी वो भी लिख लेते हैं ठीक है। उसके बाद 3 चीज़ें बाहर की हो गई, 3 चीज़ें हम घर वाली ऐड करेंगे जिसमें हम फ्रेंच टोस्ट कर लो ठीक है, और फ्राइज नहीं क्या कुछ आप भी बताओ, 4 तो हो गई हैं। तो जी बाहर मामा आ गई हैं साथ जी, इब्राहिम मनाजिर भी रहने आ गए, तो मैं जो था ना उनको दरवाजा खोलू। इब्राहिम मैया आगे मिला काका, मिला काका, मिला काका, इधर तो मामू जी ठंडी तो डाल, मामू जी ठंडी डाल दी, इधर लाओ इब्राहिम जी, डाल है ठीक है, क्या लगवा डॉक्टर साहब आया। तो जी डॉक्टर साहब भी आया जी, डॉक्टर साहब से भी मिल गया। ऐ वेखो बाऊ जी अंदर ही बैठे दे ने जी, डॉक्टर साहब आ जाए अंदर जी। बच्चे भी आ गए हैं। हाँ जी अंबर मामी की कर रहे हो? अच्छा रोड संभाल रही हो, चलो आ जाओ जी। अब हम बताते हैं जी हमने क्या क्या लिखा है, अभी फिर बच्चों के साथ भी जरा बैठते बूटते हैं। इधर जी हमने
क्या नाम है, फोकस हो जा। मैगी नूडल्स, बर्गर, चिप्स, लेज। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, राजी बाजी हैं। रात को जी बच्चों के साथ ही हमने क्या नाम है सिटिंग कर दी उनके साथ ही बैठ के, और ब्लॉग जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो इसलिए ब्लॉग जो है ना आज कंटिन्यू करने लगे। तो आज भी हमें ब्लॉग कंटिन्यू करते करते रात के 9 बजे हैं, और अभी जो रात को चीज़ें हमने लिखी थी उस उधर से ही आगे से कंटिन्यू करने लगे, क्योंकि कल तो वैसे मैंने ब्लॉग अपडेट कर दिया था, तो आज इसको अपडेट करना था। मैं एक दिन पहले बनाता हूँ, लेकिन ये है कि वो कल आपको जैसे पता है भांजा भांजी आ गए, तो फिर उनके साथ ही मसरूफियात, उनके साथ ही खिलाड़ियाँ खेलना कूना लगा रहा, और फिर हमने व्लॉग नहीं बनाया। और इधर अंबर भी आ गई है, और ये चीज़ें हैं जो हमने रात को लिखी थी, जिसमें हमने मैगी नूडल, बर्गर, चिप्स है, ये लेज वगैरह गंद बुरा जिसको कहते हैं, फ्रेंच टोस्ट। और अब आप बताओ इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके जहन में जो आपने लिखनी है? ठीक है कि चार पर्चियाँ लिखनी है, चार ही। अब इनको इनकी पर्चियाँ आप कर लो, ठीक है। ये होंगी जी चार पर्चियाँ, ठीक है। शफल करेंगे, एक एक पर्ची उठानी है, और उसमें ये होगा कि वैसे तो सारी चीज़ एक ही चीज़ है जो घर बननी है, दो मतलब के वो फ्रेंच टोस्ट और जो मैगी नूडल है, बाहर से मैं जा के ले आऊँगा, जो बाहर से चीज़ें लानी है ये होंगी। और अगर जो मतलब मैगी नूडल या फ्रेंच टोस्ट निकल आते हैं हम दोनों का, फिर दोनों ही किचन में जाके वो चीज़ें बनाएंगे। तो अभी जो सा ना अंबर सा बाहर, चलो फोल्ड करती रहो, अभी कटिंग कर लो इनकी। हाय 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 हाय, मैगी नूडल्स चिकन लिख दिया क्योंकि हम चिकन ही फ्लेवर ज़्यादा खाते हैं। इधर बर्गर लिखा है जी हमने, अंडे वाला बर्गर। यार वैसे हमने साथ इसके वो लिखी नहीं है लीची बोतल है, लीची इसके साथ भी लिख दो, लीची ये लेज वाले ऑप्शन में के साथ भी लिख दो, और मैगी नूडल्स के साथ लीची दो, उसके लिए वो खाली नूडल्स ही या फ्रेंच टोस्ट जो है ये उन दोनों साथ लीची बोतल लिख दो, क्योंकि भाई जी लीची जो है ना बिग एप्पल लालो नहीं, हम लीची नहीं, हम घर में जूस तैयार करें, घर में जूस तैयार करना है। कौन सा टैंग? चलो जी लेकिन वो लादा से एक पर्ची डालोगी नहीं, इसी के ऊपर लिख लो, हाँ इसी के ऊपर लिख लो ना, टैंग लिख लो जो दोनों बोतल की जगह ना, तो क्वालिटी की जगह जी फिर आप टैंग बनेगा। चलो ये भी ऑप्शन बेहतर है, ठीक है कोई नहीं, कोई नई चीज़ ट्राई होने। लीची की बोतल का बता रहा कि वो मुझे और अंबर को, बल्कि हमारे घर में सारे शौक से पीते हैं। वो जो एक तो आती है ना लीची जूस वाली छोटी 500 ml में, ये बड़ी जो 1.5 लीटर में आती है ना बिग एप्पल वालों की, वो वाली लीची वो बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठार हो ना उसका अपना ही चासा है। और इधर अंबर जो सी ना पर्चियाँ जो सी है ना वो बंद कर रही है, अब इसको इधर ही शफल कर लो यहाँ पे, क्योंकि वो बेड पे पर्चियाँ नज़र नहीं आएंगी, शफल होके नीचे गिरी तो ये बेड पे करना है, इधर ही कर लो। चलो शफल करो ना सही तरह, चलो अब पहले आप उठाओगी कि मैं? चलो आप करो, क्या आया जी क्या आया? फ्रेंच टोस्ट। लड़की वाली चीज लड़कियों के पास, ओए होए होए, ये लो कैमरा पकड़, कैमरा पकड़ो, मैं मैगी था और क्या था, बर्गर, लेज। तो खोले 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 खोले, क्या मतलब? मजाक अंपर के साथ मोए मोए लेज होगी, लेज विद टैंग। टैंक तो आपको बनाना पड़ेगा ना, टैंक तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ये तो बताया नहीं कि सारी चारों चीजें आज ही बनानी है, मतलब चारों चीजें नहीं, जो एक एक पर्ची हमने उठाई है ना, बस ये होना है, वो आया है। हेलो ये क्या बात हुई, आप इसमें से आप बनाओगी फ्रेंच टोस्ट, ठीक है मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा, मैं जाके ले आके आऊंगा चिप्स और लेज वगैरह, और टैंक बनाएंगे, टैंक बनाऊंगा मैं, मेरे लिए तो बहुत आसान, मुझे बहुत मजा आ रहा है इतनी सारी चीज मेरे यार।
चले कोई नहीं, अब फ्रेंच टोस्ट और लेज का क्या कॉम्बिनेशन, हम ये वाली पर्ची उठा लेते हैं। चलो इस तरह करते हैं, बात सुनो, वो दो फेंक दो साइड पे, ठीक है, वो जो बनी हुई है जो अभी हमने वो ओपन की है वो दो साइड पे रखो, ठीक है। अब इस वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट और ये लेज वगैरह इनमें से दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, अब इन दो पर्चियों को बंद करते हैं, शफल करो, ठीक है, वो आप ही बस एक उठाना, अब इसमें से दोनों तो नहीं उठानी, ठीक है, दोनों से कोई एक उठा ले, जो चीज आएगी वो हम फिर बना के खा लेंगे, ठीक है, शफल करो ना सही तरह, चलो उठा लो, कंफ्यूज हो रही है, चलो खोलो क्या है, चिप्स आ गई, बच गई है, चलो जी टैंग इसमें ये होगा, चिप्स मैं जाके बाजार से ले आऊंगा, जिसका निकला वो ही बनाएगा, जिसका निकला वो ही बनाएगा, वो तब होना था जब हम दोनों चीजें बनाते, उसमें ये होगा, अब वो तब होना था कि दोनों चीजें आप फ्रेंच टोस्ट बनाती मैं ये चीजें फिर मैं बनाता, अब इसमें ये होगा क्योंकि जाहिर बात है दोनों जो फ्रेंच टोस्ट और चीज हो जाती है और ये क्या नाम हो, अब इस तरह होगा कि बाजार से लेज वगैरह जाके मैं ले आऊंगा, ठीक है, और जो है ना टैंक वो अंबर बनाएगी, ठीक हो गया, डन हो गया। तो ये जी अभी बजे 9, ठीक है, अब इस चीज पे इम्प्लीमेंट अभी जा रहा हूँ दोस्तों की तरफ, ठीक है, उधर से वापसी पे मैं आते हुए प्राइस मतलब कि ये लेज वगैरह गंद बला जो है वो लेता, वो लेता हूँ, ठीक है, उसमें क्या होगा, बेबीज ने खानी है, सॉल्टेड लेज होगी, फ्रेंचीज होगी, ठीक है, उसके बाद मसाला ली, ठीक है, वो शॉपर बनवा के ना जिसमें वो दस वाली पापड़ियां भी नीमको भी वो ना ना मीठे में कोई केक शेक इस तरह की चीज, ठीक है, जो वो मतलब कि ये केक कप केक्स वगैरह जो होते हैं इस तरह छोटे जो होते हैं वो चीजें और ये लेज वगैरह ये चीजें ले आऊंगा, और जो टैंग होगा वो अंबर, और टैंग होना सही फुल चिल जिस तरह हम पीते हैं, आधा ग्लास जो होता है ना बर्फ का होता है, आधा ग्लास टैंग का होता है, जिस तरह हम दोनों डेढ़ डेढ़ पीते हैं, वो किस तरह होगा कि हम 11:30-12 बजे हम दोनों जो है ना टीवी लगाते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कम से कम 2 घंटे हम लोग डेली टीवी देखते हैं बैठ के इकट्ठे, तो उस टाइम ये है कि हम फिर टीवी पे ये है कि व्लॉग्स वगैरह देख ली, कोई मूवी देख ली, कोई जो भी समझ में आया वो देख लिया, फूड व्लॉग देख लिया, मोटो व्लॉगिंग के जो व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग देख लिए, इस तरह हम व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं, और क्या नाम है अपने व्लॉग्स भी हम देखते रहते हैं, तो फिर अभी जब मैं तो निकलता हूँ दोस्तों की तरफ से आशा रो के, और बाकी जो सीन है फिर हम जो एग्जीक्यूट करेंगे वो 11:30-12 बजे के करीब जब हम टीवी देखने बैठेंगे। तो जी हम ना अपनी जो चिप्स वगैरह ना वो लेने आ गए, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम घर जा के देखेंगे, ठीक है, अभी सामान तो इधर ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी हम ना एक ये ले लेते हैं ग्रीन वाला, एक ये ग्रीन अभी ये आ गई दो, ठीक है, उसके अलावा इधर और क्या है, ये मिक्स 4, ये क्या है, अच्छा ये 4 लगा हुआ है, बाकी इधर नीचे से भी कुछ ले लेते हैं, शॉपर लेते हैं ना फिर इसके अंदर डलवा लेते हैं, बाकी ऊपर से भी ये वाली जो लेज़र ना फिर मसाला ये भी लेते हैं। तो जी गंद बला लेके हम आ गए घर, ठीक है, वो मैंने रख दी शॉपर, और ये जो मैडम है ना इन्होंने अभी तक टैंग नहीं बनाया, ये बच्चों को आम काट के देने लगी है, बांझा बांझी जो है उन दोनों ने आम की फरमाइश की, तो आम बाबू जी उनको काट के देने लगे हैं, उसके बाद जी फिर अंबर साहबा बनाएगी टैंग। हाँ भाई कितनी देर फिर में टैंग बनेगा जी, अब वो उनको खिला के ना, हाँ मतलब वादा पौना घंटा लगेगा जी। तो जी अंबर की आ गई है बारी अब टैंग बनाने की, आगे भाई उस समय सोफे पे बिल बिल के मैं कहता हूँ चासा आ गई मुझे, और चीजें ना आगे बने रख दी थी ना कुछ बनाना है, बड़ा से लाए हैं और चीजें रख दी हमने, और हम स्कूल से लेट गए इधर, बाकी जो अब लोग है ना अब जग निकाल रहे हैं, कोई टैंक का शॉपर इन्होंने वो पैकेट निकाल लिया, आप देख लेंगे अलग अलग बनना है, मैंने अपना अलग पीना है, आपने अलग पीना है, ठीक है, क्या मतलब बच्चों वाला, मुझे भाई वो बड़े ग्लास में या मेरी वो जो जिम वाली बोतल है ना उसके अंदर बना दो, ये इसके अंदर दे रहो, ये बना लो, इसके अंदर बना लो,
ये इसमें तकरीबन 1 लीटर से ऊपर बन जाता है, ये एक ही बना लो। हाय 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 हाय, मजा आ जा रहा है, चासा आ जा रही है। ओहो हो हो हो, क्या बात। चलो हम बना, ये अब बोतल साफ कर रही है, और ये जी टैंक का जो है ना पैकेट ही ला के दिया हुआ जी, ये देखो जी। हाय 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 हाय, तो जी अंबर साहबा ने टैंक शैक बना लिया है, और हम अभी क्यों पी रही हो, अभी मैंने थंबनेल वगैरह। तो जी टैंक वगैरह बना के आ गई है, ठीक है। मैंने तो सिंपल टैंक अपना बनवाया, और इसने भी मैं टैंक में आपने ही कोई फार्मूला डाला है जो इसने अपना बनाया। और इधर ये आ गया जी हमारा गंद बला, ओके निकला बाहर। ये जी इस टाइम की थोड़ी बहुत क्रेविंग्स, ठीक है, जिसमें ये बेबी आ गई, योगर्ट हर्ब आ गया, कुरकुरे आ गए, पीनट आ गया, चीटोज आ गई, स्लेंटी आ गई, पर्क चॉकलेट आ गई, ठीक है, चीटो, ये चॉकलेट चिप बिस्किट, कपकेक और भी थे लेकिन वो बच्चों को फिर दे रही है। ये जी ये ग्लास मारा, हाय 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 हाय, मज़ा आ जाना, चासा आ जानी है। तो ये था जी, अब हम अपना जो क्रीमिंग है ना वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। टैंक पिलाओ हम ज़रा, कैसा बनाया पी के ज़रा दिखाए हैं। बिस हुई। अभी टीवी लगाते हैं और कुछ देखते हैं साथ, ये इन्जॉयमेंट जो थी ना हमारी वो लेट नाइट की अब ये होगी। ये जी पकड़ो, और मैं जो सुना अब अपने ब्लॉग को यहाँ पे करने लगा हूँ एंड। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी तरह के मजीद ब्लॉग्स चैनल पे आते जाएंगे, आप लोगों को एंटरटेन करता जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।